नमस्कार, स्वागत है आपका crime100news.com में। साथ मैं हूं आपके अपर्णा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। थाना सचेंडी के अंतर्गत आने वाले किसान नगर रोड पर गांव भिसार पकड़ी व कटरा की सीमा पर ब्रह्मदेव बाबा का सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, जहां पर सार्वजनिक प्रयोग के लिए हैंडपाइप लगा है। उक्त स्थान के आसपास खाली पड़ी भूमि पर अराजी संख्या 375 का रकबा बताकर गोवर्धन पुत्र मेवालाल, राकेश दुबे सहित कुछ अज्ञात लोग अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण करवा रहे हैं। निर्माण अवैध रूप से हो रहा है और वहाँ पर लगी सार्वजनिक हैंड पाइप को भी अपनी बाउंड्री के अंदर कर लिया है। ग्राम पकड़ी बिहार का कटरा घनश्याम में रकबा 375 की कोई आकृति नहीं है। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है और कुछ भाग नहर विभाग की भी जमीन पर की जा रही है। वहां के रहने वाले बलवीर सिंह ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया और सरकार से गुहार लगाई है कि भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मीडिया से बातचीत के दौरान गाँव के रामविलास चंदेल, मलखान सिंह चंदेल, नरोत्तम सिंह चंदेल, गोरे सिंह चंदेल, राम मोहन सिंह चंदेल, महिला रानी शुक्ला, धनंजय सिंह चंदेल, दीपक सिंह चंदेल, हिमांशु चंदेल, बबलू शुक्ला, लाल शुक्ला, योगेंद्र शुक्ला सहित तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे। संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे पूर्वज ही आकर यहाँ पूजा करते रहे और ये आज से नहीं, ये जवानों से चल रहा है। पूजा के लिए नल, ये आशीर्वाद ब्रह्मदेव बाबा की ऐसी है कि नल हमारे द्वारा लगवाया गया। पूजा के लिए आपने नल लगवाया और उसको भी अंदर अपने कर लिया। उसको भी जैसा कि आप इधर देख भी सकते हैं, वो भी अपनी बाउंड्री वॉल के अंदर है। उनका कहना है कि हमारी जगह है, लेकिन हम लोगों का सिर्फ एक कहना है, आप इस जमीन की अच्छे से पैमाइश कराइए, जो आपके अधिकार में आती है आप उसको लीजिए। लेकिन आप इस तरह से, जैसा कि अगर आप अभी दोबारा देख लेंगे कि इसका जो नक्शा उल्टा का सीधा बनाया जा रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि आप भू माफिया के अंतर्गत आ रहे हैं। प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि इन्होंने अगर ली है जमीन तो अपना अपना चार्टबंदी और सीमांकन करा के अपना बनवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे देवस्थान को छोड़ दें। अच्छा, अभी जैसे गांव वाले बता रहे हैं कि ये जो जमीन है इसमें चार प्रधान या चार गांवों को बांटती है, ये क्या मामला है? ये सीमांकन, ये मामला है, पुराना मामला है। इसमें ऐसा है कि ये छूटी हुई जमीन है जी, और इसमें ये अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, दूसरे के नाम करवा के अपने नाम करवा रहे हैं।